गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वंस अगेन ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश वेलकम्स यू ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी क्या चल रहा है, हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सारी बातों को मैं बता चुका हूँ। और आज का वीडियो बच्चे यानी ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश के अंदर में, यानी इस चैनल के अंदर में जो इनकलाबी सीरीज़ बी अभी जारी है, और उसी का आज वीडियो जो है बच्चे, उसी सीरीज़ में आज वीडियो जो है ये 14th यानी 14वां वीडियो है। और इसमें आज मैं बताने वाला क्या हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू अंडरस्टैंड इट। वो क्या है बच्चों, कि अभी हम लोगों का, जैसा कि हम लोग सब बच्चे वाकिफ हैं, इस बात से परिचित हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड सारी बातों को लगभग मैं बता चुका हूँ, इतनी बातों को मैं बता चुका हूँ कि अगर सारी बातों को तुम रिवाइज कर लेते हो, याद कर लेते हो अच्छे से, तो तुमको पूरी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या दुश्वारी नहीं होगी अंग्रेजी बोलने समझने लिखने में। आज क्या है बच्चे, कि अभी तक जो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात किए थे तो उसका अफर्मेटिव फॉर्म का बात किए थे, तो अब यहाँ से बच्चे आज का वीडियो से, यानी 14वां वीडियो से अब चलेगा इसका नेगेटिव, फिर आएगा इंट्रोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, और उसके बाद फिर आएगा डब्ल्यू एच नेगेटिव। तो इस तरीके से बच्चे आज मैं नेगेटिव का बात करूँगा। अब कायदे से ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर इसको समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हो तो आप दूसरे टेंस के साथ में, यानी अलग अलग टेंस का नेगेटिव अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उस रूल एंड रेगुलेशंस को और स्ट्रक्चर को कायदे से आप नहीं समझ पाते हो तो आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। और बिहार के एक शायर हैं, उनका एक शेर है, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, कहने का सलीका चाहिए। तो मैं बच्चे बिल्कुल सलीका मंद बनाना चाहता हूँ, और सलीके से, और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आई एम जस्ट टीचिंग यू ईच एंड एवरी थिंग, यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग गोइंग इन टू द डेप्थ, गहराई में जाके चीज़ों को समझना है। तो चलो बच्चों, आते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, छोटी सी बात, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब क्या जी, आइडेंटिफिकेशन उसका क्या था, ता है ते है ती है, ठीक है ना, और उसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस बी वन या बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यानी अफर्मेटिव का फॉर्मूला, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का। आज हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे, यानी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव हम लोग देखे हैं। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, कि मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं क्या अंग्रेजी आई, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, वर्ब, दो वर्ब कौन है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या है, ये टीच, तो ये सब्जेक्ट था और ये वर्ब था, तो ये बच्चा दोनों ख़त्म हो गया, यानी आई टीच। अब उसके बाद बचा बच्चों तुमको और अंग्रेजी, तो तुमको के लिए यू और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, तो आई टीच यू इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये वाली बातों को हम बता चुके हैं बहुत डिटेल से। ये हम इसलिए दिए हैं कि इसी का हम, इसी को एक आधार मान करके हम लोग आगे जाएंगे। तो सबसे पहले इस वाक्य को ध्यान में रखना बच्चे, कि मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच यू इंग्लिश या आई टीच इंग्लिश टू यू, इस तरीके से बता दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। आज देखो बच्चे, अब यहाँ पर देखना कि आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, कि नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो आइडेंटिफिकेशन वही होगा बच्चे, यानी आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा, कि कर्ता, यानी कोई एक काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, और वाक्य जो होगा, यानी उस वाक्य का वर्ब जो है वो आखिर का, यानी अंत होगा किससे, ता है ते है ती है, जिन बातों को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का आइडेंटिफिकेशन में समझ चुके हैं। तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसका मतलब उसमें भी वही होगा, ता है ते है ती है, लेकिन फ़र्क क्या होगा बच्चे, कि इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा लफ्ज आ जाएगा, क्या जी नहीं, इसको गौर से देखना बच्चे, ये नहीं, और ये नहीं आकर के सेंटेंस को पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव बना दिया। पॉजिटिव तो मतलब हुआ जो बच्चे, जैसे मैं तुमको प्यार करता हूँ, एक तरफ मैं तुमको प्यार करता हूँ, और मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, तो मैं तुमको प्यार करता हूँ तो आई लव यू, मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ तो आई डोंट लव यू, ये वाक्य हो गया बच्चे पॉजिटिव, और ये वाक्य हो गया बच्चे नेगेटिव। अच्छा, तुम मुझे पसंद करते हो तो यू लाइक मी, ये पॉजिटिव है, और तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, नहीं आ गया, मतलब ये नेगेटिव है, तो यू डोंट लाइक मी, ठीक है बच्चे, मैं भारत, मैं गरीब लोगों की बेहतरी के लिए सोचता हूँ, तो ये पॉजिटिव वाक्य है। आई थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, आई थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर, मैं गरीब लोगों की भलाई के लिए सोचता हूँ, या भलाई के बारे में सोचता हूँ, तो आई थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, और मैं गरीब लोगों की या गरीबों की भलाई के लिए नहीं सोचता हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया बच्चे, तो आई डोंट थिंक
अबाउट द बेटरमेंट फॉर आई डोंट थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर। तो इस तरीके से बच्चे देखे, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो इधर देखो नहीं है, इधर नहीं नहीं है, तो मतलब ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव हम लोग डायरेक्ट पढ़ चुके हैं डिटेल से, आज हम लोग नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव पर समझना बच्चे, आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ कि करता रहेगा और ता है ते है ती है सेम वैसे ही रहेगा, और फ़र्क सिर्फ क्या होगा इसको नेगेटिव बनाने के लिए, यानी कि नहीं रहेगा इस वाक्य में, जैसे मैं तुमको नहीं पढ़ाता हूँ। तो अब ज्यों ही बच्चा ये देख लिया आइडेंटिफिकेशन कि ता है ते है ती है लेकिन नहीं रहेगा, तो अब तक फॉर्मूला क्या था पॉजिटिव वाक्य का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। लेकिन क्योंकि वाक्य अब नेगेटिव बन गया और नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट बाई डज नॉट का मतलब वह चाहे तो कहीं पर डू नॉट लगेगा, कहीं पर डज नॉट लगेगा। और याद रखना बच्चों, डू नॉट या डज नॉट लग जाने के बाद सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कुछ भी रहे, लेकिन वर्ब जो आएगा वो बच्चे वो हमेशा भी वन रहेगा, हमेशा भी वन। यानी डू नॉट या डज नॉट जो है इसकी पावर को कैप्चर कर लेता है, इसकी पावर को यहाँ पर ये सीज कर लिया है। यानी डू नॉट या डज नॉट लग जाने के बाद हमेशा सब जो वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर है ना भी वन या भी फाइव, लेकिन यहाँ हमेशा भी वन लगेगा। और उसके बाद बच्चे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से पहले मॉडिफाइड है तो मॉडिफाइड को रख देंगे। मॉडिफाइड मतलब जी बताए थे वर्ब से पहले टू, जैसे टू गो, टू कम, टू स्लिप, इस तरीके से इसको लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर मॉडिफाइड नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर रेस्ट है तो देंगे, नहीं है तो फुल स्टॉप देकर सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। तो अब सवाल उठता है बच्चों कि कहाँ पर लगाएंगे डू नॉट, कहाँ पर लगाएंगे डज नॉट। तो याद रखना बच्चे, अगर सब्जेक्ट इस टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव में, अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू, दे, दो नाम हो, रानी एंड मोनी, और पजेसिव केस यानी पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, और उसके बाद प्लूरल नाउन जैसे माई फ्रेंड्स, यानी माई के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल हो, तो यानी ये सब अगर सब्जेक्ट हो तो बच्चे इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है। यानी डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, यानी एब्रीविएटेड फॉर्म में इसको डोंट लिखेंगे। अब उसके बाद देखो जी कहाँ लगाएंगे डज नॉट, तो याद रखना कि सब्जेक्ट अगर इस टेंस में ही रहे, सी रहे, इट रहे, रानी रहे, एक नाम मतलब मोनी रहे, एक नाम, ऊपर में देखो रानी एंड मोनी दो नाम है, तीन चार होगा, तो उसके साथ में डू नॉट। लेकिन अगर रानी एक नाम है, यहाँ पर मोनी एक नाम है, कोई लड़का राहुल एक नाम होगा, और उसके बाद पजेसिव केस, पजेसिव केस होगा, और उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा जैसे माय फ्रेंड, ऊपर में क्या था माय फ्रेंड्स, और नीचे में क्या माय फ्रेंड, यानी सिंगुलर नाउन रहेगा, तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग होगा। और डज नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म डजंट है, तो आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डज नॉट या डजंट, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश करना कि डजंट का इस्तेमाल करें, ठीक है, या डोंट का इस्तेमाल करें, हालांकि कुछ भी करोगे गलत नहीं होगा। एक वाक्य सिंपल देखो बच्चे, यहाँ पर क्या था कि मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं एग्जाम्पल से आप क्लियर कर रहा हूँ बात को, याद रखना बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी शुरुआती दौर में एट द प्राइमरी स्टेज आपको क्या करना है कि बातों को बैठाना है दिमाग में, ओ ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव होता है तो डू नॉट या डज नॉट लगता है, ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात। और जब ये बात बैठ गई है तो अंग्रेजी बोलते समय इतनी बातों को कुछ थोड़े याद रखा जाएगा, बिल्कुल आप अंग्रेजी बोलते जाओ। लेकिन शुरुआती दौर पर क्या है बच्चे कि आई एम ट्राइंग टू गाइड यू इन द राइट डिरेक्शन एंड आई वॉन्ट टू मेक योर एनर्जी चैनलाइज्ड इन द राइट डिरेक्शन। मैं सिर्फ एक राइट डिरेक्शन, एक पटरी पे पहले ला के आपको छोड़ दूँ, और उसके बाद तो आगे अपने चलना है आपको खुद से। तो इसीलिए बच्चे शुरुआत में क्या है कि आपको बैठाना है कि ओ प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग, क्योंकि हर टेंस आगे जाएंगे तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए अलग अलग, कहीं पर इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट होगा, कहीं पर हैव नॉट, हैज नॉट होगा, कहीं पर डिड नॉट और डिड नॉट होगा, या कहीं पर वज नॉट या वर नॉट होगा, कहीं पर हैड नॉट हो जाएगा, कहीं पर विल नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग टेंस में नहीं के लिए अलग अलग अंग्रेजी होगा, कहीं पर कांट हो जाएगा, कहीं पर सांट हो जाएगा यानी सेल नॉट हो जाएगा, कहीं पर कैन नॉट हो जाएगा, कहीं पर मे नॉट होगा। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग, हर वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए अलग अलग उसूल है। लेकिन अभी हम लोगों को ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इन बात को जब समझ गए बच्चे, तो ये फॉर्मूला भी हमको आ गया कि अगर ये है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, और ये सारी चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये पॉजिटिव वाक्य है कि मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। अब मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, अब नहीं लफ्ज आ गया, क्या आ गया जी नहीं लफ्ज आ गया, मतलब ये नेगेटिव हो गया, यही है ना, ये नहीं लफ्ज आ करके इसको नेगेटिव बनाया है। और नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चे कि सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद तो इसमें मैं देख लेता हूँ कि मैं क्या है जी सब्जेक्ट है, तुमको क्या है ऑब्जेक्ट है, अंग्रेजी क्या है ये भी ऑब्जेक्ट है, फ़र्क क्या है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नहीं पढ़ाता हूँ यही क्या है जी वर्ब है, और दिल से ये क्या है बच्चे रेस्ट है, ठीक है।
या नहीं के लिए डू नॉट दे देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे। अब यहाँ पर गौर से देखो बच्चों कि फार्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई, तो ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद फार्मूला क्या है, डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल कीजिए। तो आप बताओ कि डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा। हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट आई रहे तो उसके साथ में डू नॉट या डोंट का प्रयोग होगा, तो हम किसी एक का कर देते हैं, डू नॉट बोले या जा करके डोंट बोले, तो बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है। स्पोकन में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, रिटेन में ज़्यादा इसका इस्तेमाल। तो यहाँ तक आ गया बच्चे। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला वर्ब, और वर्ब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डोंट जो दिए बच्चे, ये नहीं जो है आ गया उसमें, ठीक है। अब बच्चा भी वन, तो वर्ब कौन है, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, टीच। तो आई डोंट टीच या आई डू नॉट टीच, तो पता चला वर्ब खत्म। और वर्ब के बाद देखो बच्चे आगे में कि देंगे हम क्या, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर देख, यहाँ पर उसके बाद क्या है, मॉडिफाइड, लेकिन इस वाक्य में मॉडिफाइड नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, तुमको, और अंग्रेजी, तो तुमको का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, क्योंकि हम पहले इनडायरेक्ट को ही अगर रखें तो यू, ठीक है, यू, और उसके बाद डायरेक्ट को रख देंगे, डायरेक्ट कौन है, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया, तो दोनों ऑब्जेक्ट आ गया। अब पता चला बच्चा ये खत्म, ये खत्म। अब बच्चा क्या जी, दिल से, और दिल से का अंग्रेजी क्या होता है, एट हार्ट। तो क्या हो गया बच्चे कि आई डू नॉट या आई डोंट टीच यू इंग्लिश एट हार्ट। अगर यहाँ पर देखो बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे, तो बीच में प्रिपरेशन टू लगा देंगे, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई डोंट टीच इंग्लिश टू यू एट हार्ट, आई डोंट टीच इंग्लिश टू यू एट हार्ट, या आई डोंट टीच यू इंग्लिश एट हार्ट। अब देखो बच्चे एक बात दिमाग में बैठ गई, ओ ये बात को एकदम बिल्कुल, ये सब दिमाग में बैठाने वाली चीज़ है बच्चे, शुरुआती दौर में, एट द प्राइमरी स्टेज आपको बैठाना है। एक बार बैठा लो, 25-30 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर लो, आप कभी भी, आपसे मिस्टेक, कभी भी आप किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। तो इसको कैसे बैठाएंगे, आप दिमाग देखो, एक बच्चा, कुछ बच्चा होता है कि लोग पढ़ते हैं और कुछ बच्चा ज़्यादा सोचते हैं, तो सोचना ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे बच्चे कि मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डोंट टीच यू इंग्लिश। अब ये वाक्य आएगा, तुम मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो, मेरी मम्मी मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, मेरे सर मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता हूँ, तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो, मैं उन लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचता हूँ, तुम लोग मेरी भलाई के बारे में नहीं सोचते हो, मैं अपने समाज के गरीब बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहता हूँ। तो देख रहे हो, सारा का सारा वाक्य बच्चे मतलब इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो मैं तो कुछ वाक्यों को दूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोचना है, क्योंकि हमने शुरू में बताया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल मुख्य रूप से, यानी मेनली हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है, हैबिचुअल यानी फितरत को बताने के लिए। जैसे वो झूठ नहीं, वो झूठ बोलता है और वो झूठ नहीं बोलता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो वो झूठ नहीं बोलता है, यानी उनकी फितरत को बताते हैं हम, यानी उनकी हैबिट को बताते हैं, यानी मेनली मुख्य रूप से जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल होता है बच्चा, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए। जैसे वो झूठ नहीं बोलता है, तो ही डज नॉट टेल अ लाई। तो अब मैं इसी को एग्जाम्पल देता हूँ, फटाफट समझते जाओ। जैसे एग्जाम्पल है कि वह झूठ बोलता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ही टेल्स अ लाई, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता है, नहीं आ गया और ता है, तो समझना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये वाला फॉर्मूला फटाक से अप्लाई करो, तो वह झूठ नहीं बोलता है, बोलेंगे वह झूठ नहीं बोलता है। तो आप सब्जेक्ट, आप तो इतना मतलब कि हम लोग देख लिए बच्चे कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब है, आप उतना नहीं देखना है, वह झूठ नहीं बोलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आया, वह आया, तो खटाक से यहाँ तक तो आ सकते हो, ही डज नॉट, ठीक है ना, ही डज नॉट, तो वो झूठ नहीं बोलता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ठीक है, तो यहाँ तक। और उसके बाद क्या है जी, बोलना, बोलना, तो बोलना का क्या होता है जी, हमने बताया था कि झूठ बोलना का तो स्पीक होता है, लेकिन झूठ बोलना के सेंस में स्पीक अ लाई कभी नहीं बोलेंगे बच्चे, उसका एक फ्रेज है, झूठ बोलना का अंग्रेजी, यानी झूठ बोलना का अंग्रेजी होता है टेल अ लाई। तो पता ये चला कि टेल अ लाई कर देंगे, टेल अ लाई, अगर हम इसको वर्ब मान लें, वर्ब क्या, ये वर्ब है ही, और अगर ए लाई ऑब्जेक्ट है, तो देखो वर्ब के बाद मॉडिफाइड चूंकि है नहीं, तो ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से बच्चा हो गया कि ही डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता है, आई डोंट टेल अ लाई, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती है, माई मदर डजेंट टेल अ लाई, ठीक है। अच्छा एक वाक्य देखो बच्चे कि हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, गौर से देखना कि हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, गौर से देखना बच्चे। इन वाक्यों को प्रैक्टिस भी कर लेना, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू वुड बी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट होगे। तो देखो बच्चे कि हम लोग है, और वाक्य में हम लोग हमेशा सच बोलते, अच्छा एक मिनट, हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, एक बार यहाँ पर वाक्य थोड़ा नेगेटिव नहीं हुआ, हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं यार, मैं नेगेटिव वाला वाक्य दे रहा हूँ, गौर से देखना, हम लोग तुमको तंग नहीं करना चाहते हैं, तंग नहीं करना
चाहते हैं, गौर से देखना, हम लोग तुमको तंग नहीं करना चाहते हैं यार, ठीक है, हम लोग तुमको तंग नहीं करना चाहते हैं। मैं उनको तंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको रुपया नहीं देना चाहता हूँ, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, वो मुझे देखना नहीं चाहती है, ठीक है ना, वो मुझसे प्यार करना नहीं चाहती है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि हम लोग सब्जेक्ट है और तो हम लोग तुमको तंग नहीं करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर ये चाहना और करना, गौर से देखना, यानी करना मतलब ये तंग करना, नहीं को अभी छोड़ के चलते हैं हम लोग, ठीक है जी, कि नहीं को यानी नहीं चाहते हैं, ये नहीं जो हकीकत में है बच्चे, ये इसका पोर्शन है, ये इसका पोर्शन है, यानी नहीं चाहना, ठीक है ना, नहीं चाहना यानी हम लोग तुमको तंग नहीं करना चाहते हैं, मतलब हुआ कि हम लोग नहीं चाहते हैं तुमको तंग करना। कहने का गर्ज ये हुआ कि ये नहीं यहाँ पर है, यानी नहीं चाहना, तो पता चला कि ये वर्ब हुआ, और ये तंग करना जो है बच्चे, ये तंग इसका स्प्लिटिंग फॉर्म है, यानी कुछ टुकड़ा यहाँ है, कुछ टुकड़ा यहाँ, तो इसको बोलेंगे स्प्लिटिंग वर्ब, एक टुकड़ा यहाँ पर हिंदी में, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ है, तो ये वाले बच्चे यहाँ पर जो तंग करना, यहाँ तक ये क्या है मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, और तुमको ये क्या है ऑब्जेक्ट। जब इतना जान लिया तो धकाधक फॉर्मूला लगाओ बच्चे कि हम लोग नहीं चाहते हैं, सबसे पहले क्या, हम लोग नहीं चाहते हैं, वर्ब देंगे तो चाहना क्या है जी, वांट, तो आप इधर देखेंगे भी नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं तो वी डू नॉट वांट, बस हो गया क्या जी, वी डू नॉट वांट, वी डू नॉट वांट, पता चला ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, ये वर्ब खत्म हो गया, वर्ब मतलब ये नहीं भी खत्म हो गया क्योंकि डू नॉट आ गया, तो वी डू नॉट वांट या वी डोंट वांट ये खत्म ही हो गया। उसके बाद क्या देंगे बच्चे कि ऑब्जेक्ट देते, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वाक, यहाँ फॉर्मूला क्या मॉडिफाइड, और वाक्य में भी अगर वाक्य में मॉडिफाइड नहीं रहता तो हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन वाक्य में यहाँ मॉडिफाइड क्या है जी, तंग करना, और तंग करना मतलब टू डिस्टर्ब, मॉडिफाइड के पहले टू लगेगा तो क्या हो जाएगा जी, टू डिस्टर्ब, तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, तो ये तंग करना यहाँ तक खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, तुमको, और तुमको का अंग्रेजी क्या होता है यू, तो बस हो गया बच्चे कि वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय मॉम, मैं अपनी मम्मी को तंग नहीं करना चाहता हूँ, तो आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय मॉम, मैं अपने पापा को तंग नहीं करना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय फादर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तंग नहीं करना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू टॉर्चर माय गर्लफ्रेंड, या आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय गर्लफ्रेंड, ठीक है ना बच्चों। अब मैं तुम बच्चों को तंग नहीं करना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू ऑल यू स्टूडेंट, क्लियर ना। इस तरीके से अगला वाला वाक्य को देखो बच्चे कि वह मुझे प्यार करना नहीं चाहती है, नहीं चाहती है। अब यहाँ पर गौर से देखना कि वह मुझे प्यार करना नहीं चाहती है, यानी वह मुझे प्यार नहीं करना चाहती है, बात यही हुआ। तो नहीं चाहती है ये वर्ब है, वह सब्जेक्ट है, लड़की है, इसका मतलब सी डजंट, यहाँ तक तो कोई सोचेंगे ही नहीं बच्चे, सी डज नॉट, और चाहना है मतलब चाहना, तो वांट सी डज नॉट वांट, तो या सी डजंट वांट, तो ये बच्चा ख़त्म हो गया, वर्ब ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या है जी, प्यार करना, तो प्यार करना यहाँ पर देखो बच्चे, प्यार करना ये क्या है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब टू लव, ठीक है ना। अब उसके बाद ये बच्चा खत्म हुआ, तो अब मुझे है, और मुझे का अंग्रेजी क्या आता है बच्चे, मी ऑब्जेक्ट था उसमें, उसके बाद मॉडिफाइड के बाद ऑब्जेक्ट दिए हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से देखो बच्चे कि हम वाक, एक मिनट, सारे बच्चे पॉज करके लिख लिए, आगे देखो मैं कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे, यहाँ तक पॉज करके लिख लो और इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना बच्चे, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पर बच्चे ध्यान से कि ऊपर में वाक्य क्या है लिखा हुआ, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या है कि ये सब सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट, तो मैं सबका एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद इसका भी एग्जांपल दे दूंगा, तो छोटा छोटा वाक्य से जल्दी जल्दी फटाफट नंबर एक में दे रहा हूँ बच्चे। यहाँ पर क्या है कि अगर सब्जेक्ट आई हो, जैसे बोलेंगे मैं तुमको इसमें मॉडिफाइड को नहीं घुसाता हूँ, सीधा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तो आप बोलो जल्दी फटाक से बच्चा, मैं नहीं पसंद करता हूँ, तो पसंद करना का लाइक सिर्फ वर्ब पता चल गया, तो सब्जेक्ट डू नॉट और वर्ब, तो मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, आई, तो ये बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद फॉर्मूला दो, डू नॉट, तो आई डू नॉट या आई डोंट, बस हो गया यहाँ पर, आई यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ आई और पसंद करना या पसंद करता, ये क्या है जी, वर्ब है, तो वर्ब दो, तो पसंद करना, तो आई डू नॉट लाइक, बस हो गया, आई डू नॉट लाइक, नहीं के बदले में तो नो आ गया, तो आई डू नॉट लाइक, तो पता चला गया बच्चा ख़त्म हो गया। और तुमको का अंग्रेजी क्या होता है जी, यू, तो अब देखें बच्चे सब्जेक्ट आई है तो क्या किसका इस्तेमाल किया है, डू नॉट का। अगला वाला वाक्य देखो कि हम लोग आपकी
इज्जत, हम लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, हम लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। देखो बच्चे, हम लोग क्या है, सब्जेक्ट और इज्जत नहीं करना, और इज्जत करना का क्या होता है बच्चे, इज्जत करना का रिस्पेक्ट, और इज्जत नहीं करना का डू नॉट या डज नॉट रिस्पेक्ट, डू नॉट या डज नॉट रिस्पेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो तो, और आपकी मतलब आपको, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा वर्ब है। तो सबसे पहले हम लोग है, और हम लोग का अंग्रेजी, हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, और वी के साथ में क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो क्या दे देंगे बच्चे, वी डू नॉट या वी डोंट, बस ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब कौन है, इज्जत करना। इज्जत करना का क्या होता है बच्चों, रेस्पेक्ट। तो क्या हो गया, वी डू नॉट रेस्पेक्ट। तो ये बच्चा खत्म, ये बच्चा खत्म। अब बच्चा क्या जी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है आपकी, तो क्या हो गया बच्चे, यू। तो अब उसी तरीके से बच्चे, इसमें तो मॉडिफाइड नहीं आया था, अगर इसमें मॉडिफाइड आया जाए, वाक्य है कि हम लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट रेस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट रेस्पेक्ट यू या आई डोंट रेस्पेक्ट यू। और यहाँ पर जो है कि हम लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो वी डोंट रेस्पेक्ट यू। अगर ऐसा वाक्य रह जाए कि हम लोग आपकी इज्जत, हम लोग आपकी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो गौर से देखो इस वाक्य को बच्चे, तो हम लोग क्या है यहाँ पर, गौर से देखो ये सब। तो पिछले वाले वीडियो को सारे बच्चे देखना प्लीज़, अगर तुम पिछले वाले वीडियो को देखते हो तो इन इन बातों को तुम इतना आसानी से समझोगे, लगेगा कि चाइल्डिश प्ले है, बच्चों का खेल है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, वट एवर वीडियोज हैव बीन अपलोडेड बाई मी थ्रू दिस वेरी वीडियो चैनल, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश। तो ईच एंड एवरी वीडियो इज वेरी वेरी एसेंशियल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई वेरी केयरफुली एंड वेरी स्क्रूपुलसली यू मस्ट keep on watching the videos, and so that you could understand the higher level thing. And right now we are at the primary stage. अब धीरे धीरे हम लोग मतलब कि complicated things को समझने की कोशिश करेंगे, preposition को पढ़ेंगे, adverb को पढ़ेंगे, conjunction को पढ़ेंगे, compound sentence को पढ़ेंगे, longer sentence कैसे बनाया जाता है, और फिर general SSC banking railway में किस तरह से अंग्रेजी पूछा जाता है, और बड़े बड़े passage को समझने के लिए क्यों बच्चे मतलब दुश्वारी फेस करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को, अगर इन बातों को तुम अभी समझ जाते हो, अभी 200-400 वीडियो अपलोड किए जाएंगे बच्चों, अगर इन चीज़ों को तुम नहीं समझते हो तो फिर मैं बोलता हूँ कि यू विल नॉट गेट डिलाइटेड डियर, तुमको वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट डिलाइटेड डियर, तुमको वहाँ मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट, सारे वीडियो को एक तरफ से नोट्स बना लो, बार बार रिवीजन करो, देखो मैं जितनी बात को बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ग्रामर रिटेन इन द वर्ल्ड बाई फॉरन राइटर्स, दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉरन राइटर, ऑन द बेसिस ऑफ द बुक ऑफ द फॉरन राइटर आई एम टीचिंग यू, दैट इज वाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट कीप ऑल द थिंग्स इन योर ब्रेन फॉर एवर, इन इंग्लिश यू विल नॉट हैव टू फेस डिफिकल्टी एट ऑल थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि हम लोग आपकी इज्जत नहीं करना चाहते हैं। सबसे मतलब पहले मतलब वजह ये जो नहीं है इसका वो है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं, तो बनाओ चाना का अंग्रेजी वांट होता है, तो वी डू नॉट वांट, बस हो गया, कुछ भी नहीं देखेंगे आप आगे कुछ भी नहीं देखेंगे। धीरे धीरे आप धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप होने लगता है। तो अब क्या है कि अभी तुम जब शुरू किए थे वीडियो को, हम मान के चले थे बच्चा हो अभी, अब तो कितना वीडियो, लगभग 30-35 वीडियो हो गया। तो आप धीरे धीरे आप अपना थिंकिंग फैकल्टी को, यानी थिंकिंग कैपेसिटी को आपको डेवलप करना होगा। सिर्फ ये है कि हम लोग नहीं चाहते हैं, तो अब आ जाना चाहिए माइंड में, क्या होगा जी, वी डोंट वांट, बस हो गया, वी डोंट वांट। अब ये बच्चा खत्म हो गया, ये वर्ब खत्म हो गया, ये वर्ब मतलब ये नहीं भी खत्म हो गया, वी डोंट वांट। उसके बाद है जी क्या है कि हम लोग आपकी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, मतलब इज्जत करना जो है यहाँ पर, इज्जत करना आपकी मतलब आपको, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इज्जत करना बच्चे यहाँ से यहाँ तक इसका एक हिस्सा इधर है, तो ये इज्जत करना ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब उससे पहले टू लगेगा, और इज्जत करना का रिस्पेक्ट होता है, और रिस्पेक्ट पहले टू लगेगा, तो क्या होगा, वी डोंट वांट टू रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चे, वी डोंट वांट टू रिस्पेक्ट। तो पता चला ये बच्चा खत्म हो गया, ठीक है, अब बचा क्या जी, फॉर्मूला मॉडिफाइड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है आपकी, आपकी मतलब आपको, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यू। तो इस तरीके से बच्चे देखो कि हम लोग आपकी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, तो वी डोंट वांट टू रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रिस्पेक्ट यू, वो मेरी इज्जत नहीं करना चाहती है, सी डजंट वांट टू रिस्पेक्ट मी, सी के साथ डज नॉट। अब उसी तरीके से कुछ भी बोलेंगे, मेरे पापा मेरी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, माई फादर डजंट वांट टू रिस्पेक्ट मी, और हम लोग अपने शिक्षक की इज्जत नहीं
नहीं करना चाहते हैं तो वी डोंट वॉन्ट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू मस्ट कल्टिवेट योर हैबिट स्पीकिंग एंड ट्राई टू स्पीक बाई टेकिंग द सपोर्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेज वट एवर हिंदी सेंटेंसेज यू आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ द सेम सेंटेंसेज मस्ट बी स्पोकन बाई यू इन इंग्लिश अप्लाइंग दिस वेरी फार्मूला इफ यू अप्लाई दिस फार्मूला एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला सो मेनी थाउजेंड सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड और कैन बी मेड दैट इज वाई यू कीप ऑन जस्ट मेकिंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी स्ट्रक्चर इन फ्यूचर यू विल नॉट हैव टू फेस बट एट द प्राइमरी स्टेज मोर एंड मोर यू विल हैव टू कल्टिवेट योर हैबिट यू विल हैव टू बी हैबिचुएटेड एकदम बिल्कुल आदत बना लेना हो एकदम आदत को लागू कर देना यानी आदत बन जानी चाहिए तुम्हारा सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे खटाखट अंग्रेजी बोलेंगे तो शुरुआती दौर में मतलब तुमको लगेगा कि हाँ ये बोल रहा है धीरे धीरे लेकिन अभी आप 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना में आप अंग्रेजी सीख लो उसके बाद फिर पूरी जिंदगी बची हुई है आप सारी चीज़ को अप्लाई करते करते एक वक्त ऐसा आएगा बच्चे ये सारी चीज़ कोई भी एक भी आइटम को तुमको इधर याद रखने की जरूरत नहीं धकाधक तुम अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे बच्चे कहीं पर किसी भी टॉपिक पर बात करने का मौका मिला सपोज दैट इन फ्यूचर इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग दियर यू विल बी कीप ऑन स्पीकिंग बोलते रह जाओगे मतलब ओवर एनी टॉपिक द कंडीशन इज दैट कि दैट टॉपिक मस्ट बी फेमिलियर टू यू अगर उस टॉपिक पर आपको इल्म है कुछ तो आप अंग्रेजी में बिल्कुल बात कर सकते हैं अगर उस टॉपिक से संबंधित जानकारी आपके पास है और अंग्रेजी में उसी बात को करना है तो आप बिल्कुल धरल्य से धारापरवा यानी फ्लुएंट इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई यू एकदम खतरनाक अंग्रेजी और धारापरवा अंग्रेजी आपके द्वारा बोला जा सकता है ठीक है ना तो अब देखो बच्चे ये तो हो गया हम लोग अब अगला वाला एग्जांपल देखो आई के साथ क्या लगा डू नॉट लगा वी के साथ भी डू नॉट लगा अब देखो यू के साथ भी बच्चे यही मामला होगा सेम टू सेम तो हम लोग फिर देते हैं ये वाला यू वाला देते हैं तो लिखो बच्चे एक वाक्य है कि लिखो कि तुम लोग मेहनत नहीं करते हो मान लो वाक्य है कि तुम लोग मेहनत नहीं करते हो तो बस आप वाक्य भी देखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को तुम लोग नहीं मतलब यू डू नॉट या यू डोंट और मेहनत करना का अंग्रेजी क्या होता है लेबर तो यू डू नॉट लेबर अब अगर ऐसा रहता कि तुम लोग मेहनत नहीं करते हो रात दिन तो यू डू नॉट लेबर तुम लोग सख्त मेहनत नहीं करते हो रात दिन तो तब क्या हो जाता है बच्चा यानी सख्त मेहनत करना का लेबर हार्ड होता है तब क्या हो जाता है तुम लोग सख्त मेहनत नहीं करते हो रात दिन तो यू डोंट क्या हो जाता है लेबर यू डोंट लेबर हार्ड ठीक है जी और रात दिन तो डे एंड नाइट इस वाक्य का ट्रांसलेशन है मैं ऐसे एक वाक्य दे दिया कि इस तरह के वाक्य एक मिनट बचे लाइन चली गई है